Happy Republic Day, sir. Happy Republic Day to all. Thank you for giving the time early in the morning. इसके बाद अभी आप लोगों का क्या क्या कार्यक्रम है? पहले तो as a symbolic collector residence पे पहले होता है. Supposed to be the district's first. Okay. Flag hoisting. उसके बाद collectorate में होता है. ठीक है. उसके बाद और दो तीन जगह पे होता है. उसमें एक हमारा बालाश्रम है जो उत्कल बालाश्रम, जहाँ पे ऑर्फन बच्चे या जो बच्चे घर पे रह नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको रखते हैं. ओके. वहाँ पे कलेक्टर इज द चेयरमैन, तो वहाँ पे जाके होता है. उसके बाद और कुछ जगह पे होके फाइनली जो डिस्ट्रिक्ट का मेन फंक्शन है वो होता है पुलिस परेड ग्राउंड पे. ओके. ये आपके फेवरेट प्लेस है? लाइक महाराष्ट्र के कुछ यादें अभी भी शायद यहाँ पे हैं. मैं ज़्यादा खेती में ये नहीं कर पाया, बट बेसिकली ये स्टार्ट एक फोर्सफुली स्टार्ट हुआ था जब मैं बालीगुड़ा में था. पहला पोस्टिंग था मेरा. एक्चुअली वहाँ पे दैट इज़ अ ट्राइबल एरिया, वहाँ पे महाराष्ट्र के खाने की चीज़ें ज़्यादा मिलती नहीं है. ओके. और मुझे थोड़ा सा वो जो फार्म वो उसका पसंद है, मेथी वगैरह वो. हाँ. तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया था. अच्छा. मुझे फिर पता चला कि मुझे भी इंटरेस्ट आ गया, तो अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये थोड़ा सा करता हूँ. ये किस चीज़ का? ये आलू है. ओके. ये आलू है, ये भी आलू है. हाँ. वो प्याज है. हाँ. यहाँ पे उड़ीसा में प्याज कम होता है, इस साइड में, कोस्टल में तो बिल्कुल भी नहीं होता. ओके. तो प्याज मुझे पसंद है, प्याज है. हाँ. उसके बाद चना है, आप वहाँ पे वो देख सकते हो, वो चना है. उसके बाद चना मतलब वो जो चना मसाला का? नहीं, वो जो हमारा ब्राउन चना होता है जो महाराष्ट्र का. अच्छा अच्छा. ओके. हाँ. वो है, मूंग है. ओके. बीरी है, ग्राउंड नट है. हाँ. तो ये सब अभी भी देखभाल का? हनी का बॉक्स है. आप खुद देखभाल करते हो ये सब? ये देखभाल वैसे तो मुझे कुछ, मैं कुछ फार्मर्स की भी हेल्प लेता हूँ. हाँ. और कुछ गार्डनर्स है, बट मैं डेली दो तीन बार आके देखता हूँ, जैसे भी टाइम मिलता है 10-15 मिनट देख. हाँ. लेता हूँ. ये बेसिकली ये थोड़ा सा आपका जो बैकयार्ड. हाँ. रहता है, ये मेथी है जो इस साइड नहीं होता है बेसिकली ज़्यादा. ये प्योरली ऑर्गेनिक? प्योरली ऑर्गेनिक है. ये गाजर है, ये टोमेटो है, ब्रिंजल, धनिया भी है ना मेरे? ये धनिया है. ये फर्टाइल लैंड है ना बालासोर? वैसे फर्टाइल है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से. पैडी ज़्यादा होता है, काफ़ी वेजिटेबल्स भी होते हैं. अच्छा. जैसे ये कुकुम्बर है, कुकुम्बर नहीं होता यहाँ ज़्यादा, बट ये मटर है. ये फ्लावर्स, ये पहले से था यहाँ. ये सिर्फ रोज़ गार्डन है ये बस. अच्छा. फ्लावर्स में भी बस रोजेस है. अच्छा, बस रोजेस. दीज आर ओनली रेजर रोजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेस यहाँ पे पहले से ये था. ये किस चीज़ का पेड़ है? ये भी कैबेज, कॉलीफ्लावर है ये. कॉलीफ्लावर. ये जो है वो लहसुन है, गार्लिक. ओके. दैट वन, दैट वन इज गार्लिक, बट दिस वन इज ऑनियन. ऑनियन दैट इज अगेन. अच्छा, उसमें आया भी है एक सुंदर वो कैबेज. कैबेज है वो, आई थिंक बर्ड्स ने थोड़ा सा खाया भी है. हाँ. वो पालक है बीच में. ये एक स्ट्रेस बस्टर भी है ना? ये स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस बस्टर है. आप यू कैन नॉट इमेजिन. आप अगर आते हो किसी भी स्ट्रेस से दोपहर को या शाम को, और आप थोड़ा दिन भी यहाँ पे घूमोगे, वो एक नेचुरल वाइब है यहाँ पे, तो बहुत बहुत स्ट्रेस रिलीव हो जाता है बहुत. आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदनगर इन महाराष्ट्र? यस यस. ओके.
गांव के कुछ छोटा बहुत याद है बता सकते हो आप? गांव में तो बहुत, मैं तो पढ़ा हूँ, 8 तक मैं गांव में था। गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल, 8 में गांव में, तो जिला परिषद स्कूल में था। तो बहुत सारी याद है, स्पेशली फर्स्ट टू फोर्थ जो प्राइमरी स्कूल्स में था, तो जो वहाँ के जो टीचर थे, फर्स्ट टू फोर्थ आपको सिंगल ही टीचर मिलते हैं, वही आपको कैरी करके चलते हैं। तो शी वॉज वेरी गुड एक्चुअली, शी प्लेड अ लॉट ऑफ एक्चुअली पार्ट इन फाइंडिंग आउट कि मतलब कुछ कर सकते हैं आगे जाके। तो शी टोल्ड माई फादर कि इसको सिखाइए इसका, बिकॉज गाँव में बहुत सारा ड्रॉप भी कर लेते हैं ना, बीच में से ही ड्रॉप भी हो जाता है बहुत। तो ड्रॉप मतलब पढ़ाई, मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं लोग थोड़े दिन के बाद, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आप यू मे पिंच योर स्टमक बट वो इसको पढ़ाइए। तो अभी भी वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। फर्स्ट दिन याद है जब गांव के लड़का कलेक्टर साहब बने? मैंने जो अटेम्प्ट दिया था वो मेरे घर पे भी पता नहीं था कि आई एम गिविंग दिस अटेम्प्ट, बिकॉज मैं स्टेट सर्विस में था तब। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र स्टेट सर्विस में था। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं मतलब इस अटेम्प्ट में हो पाएगा कि नहीं। अच्छा, तो वहाँ कहाँ पोस्टेड थे सर? मैं पोस्टेड था पुणे में ही था। अच्छा, आई वॉज बस ट्रांसफर, जस्ट ट्रांसफर टू मुंबई। ओके, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन एक्चुअली नोबडी न्यू, आई वॉज एट होम ओनली, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा है। आई ऑल्सो डिडंट बिलीव, बिकॉज वो मेरा सबसे कम प्रिपरेशन वाला ये रहा होगा। What a view. Sun on this sky. क्या वाइब महसूस होता है लुकिंग एट दिस सनराइज? में तो हमेशा अच्छा ही लगता है, न्यू डे न्यू स्टार्ट, हर दिन कुछ नया करने को मिलता है, बस उसको पॉजिटिवली स्टार्ट करना है। अगर आप लास्ट, हमें इसमें इस सब जॉब में हमेशा यस्टरडे का कुछ ना कुछ बैगेज है, उसको लेके चलोगे तो प्रॉब्लम है। आज एक नया दिन है, ऐसा करके स्टार्ट करोगे। बट इट्स नॉट ईजी ना, जैसे आप अभी कह रहे हो, मे बी विद एक्सपीरियंस यू कैन से इट वेरी फ्लुएंटली, बट हाउ मच टाइम इट टेक्स वो बैगेज को हटा के हर दिन नया सोच? नहीं, अभी तो हो जाता है, पॉजिटिव रखना, अभी तो हो जाता है। पहले पहले क्या होता है ना, यू थिंक अ लॉट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो हर चीज़ बहुत बड़ी लगती है, मतलब ये चीज़ कितनी बड़ी है, ऐसे हुआ। बिकॉज आपके लिए जब आप एक कॉमन पर्सन से आते हो यहाँ पे, तो जो कॉमन पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है वही लेके आते हो, तो आपको लगता है कि देखो अगर मेरे लिए पहले ये चीज़ इतनी बड़ी थी तो वही लेके चलते, पर उसके बाद पता चलता है कि यार ये जो पूरा होल से गवर्नेंस सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना आदमी ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है, जिसका लेना चाहिए उसका ऑब्वियसली लेना चाहिए, बट छोटी छोटी चीज़ों का फिर ऑटोमेटिकली वो एक यहाँ पर उड़ीसा में अभ्यास बोलते हैं, मतलब वो एक आदत बन जाती है कि ठीक है, मतलब इसका इतना नहीं टेंशन लेना, ऐसे वो बैगेज पीछे हम लेके चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यू आर क्वाइट बिजी टुडे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर टिप्स फॉर ऑल द यूथ एंड बडिंग एस्पिरेंट्स वाचिंग? व्हाट विल द रियल मोटिवेशन एंड व्हाट टू लुक फॉर? द रियल मोटिवेशन इज द सैटिस्फैक्शन दैट यू गेट आउट ऑफ द वर्क दैट यू डू। सो आप ज़्यादा गाड़ी बंगला इसके पीछे ना करके, जो सुपरफिशियल थिंग्स है उसके पीछे ना, दैट कम्स विद द सर्विस, उसका कोई ये नहीं है, बट वो सर्विस का मेन जो ये है, मेन जो उसका क्या बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट है, वो है द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट आउट ऑफ सर्विंग द पीपल। तो उसको समझ लीजिए कि आपका क्या एक्चुअली, आपका काम क्या, आपका करियर में क्या, आपका काम क्या है, वो अगर आप आपको समझ में आ गया बिफोर प्रोग्रेशन, तो और ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप कितना कुछ कर सकते हो लोगों के लिए। तो मुझे लगता है वो फाइंड आउट करो आप।
So I've been following you from the morning. You're back to back today. So many, you know, things you were into in for Republic Day. It's still around 7:30 p.m. Mm. This is what it is. The reality of an IAS officer. You're still working in the office. So, especially on Republic Day and Independence Day, you start very early in the morning, around 6 o'clock. You have to start because the time is fixed. The government gives when what will happen. Okay. And that protocol has to be followed as per the flag code. So that's why you start very early in the morning. Almost everywhere in India, this routine is followed. Hmm. And then you have to do so many flag hoistings, right? You start with obviously the residence office, then you go to the collectorate and then to the various establishments where you have been called, and traditionally the collectors do. Otherwise, there are a lot of invitations, but we do it for the bare minimum places where we have to do it, and that's how it goes. When we were discussing ki hum podcast mein kya karenge, you told me ki I don't want that glamorous life to be shown rather than the reality. Hmm. Kis reality ke baat kar rahe? Jab when we start preparation, when I also started preparation, and I know about 90% of the IAS officers, IPS officers, when they started the preparation, it was because of the glamour. Hmm. Because we saw somebody or we heard somebody saying very good things about this professional life. But what I wanted to convey is that as a career option, it's a very good career option if you actually know what is the workload that you are having. So you start maybe early in the morning at 8 o'clock, and then your phone starts ringing. Then every day there is some emergency, or then routine is going on. Obviously you have to go on field, especially when you are serving in a state like Odisha, where people's connect is valued a lot in administration. Then you have to go on field, you have to see a lot of works, you have to interact with people. Then in the afternoon you basically have a lot of meetings. So collector, I don't know how many committees collector is heading in the district. So you have to give some time at least to each and every portion of it. And then you have to manage everything, including the public grievance, because public, they come from all over the district. And you have to give at least 2-3 minutes to each one of them. So all this has to be managed within that short span of 12-14 hours. And then at the end of the day, you have to do files. So I just wanted to convey that it's a very hectic job, very hectic job. You have to remember a lot of things. You have to give time to each and everyone. And again, if you don't give time to somebody, then there will be a negative feedback from those people. Because of obvious reasons, because everybody thinks that the grievance that he is bringing is important, and obviously it is important for them. But you have to look after so many things that sometimes you fail to give them time, and that gives a very bad impression also. So you have to manage all these things in that short span of time. I just wanted to convey that to all the aspirants also who is aspiring, that visit somebody who is actually working, try to find out actually what is the job, what is this job entails, and then you take an informative choice. That's what I meant. Apne ek aur cheez zikr kiya tha ki je aap born and brought up in Ahmednagar, and your father is into, you know, as a contractor, and pehli bar ghar pe koi aaya tha wahan se aapko collector ke bare mein pata chala. So aisa hota tha ki gaon mein agar aap rehte ho, to basically कलेक्टर एक चीज़ ऐसी बोली जाती है कि मतलब अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, या कोई बोल रहा है कि मेरे बच्चों को बहुत सिखाऊंगा, या मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ पढ़ के कहाँ कलेक्टर बनोगे. इस टाइप से बोला जाता है हमेशा. हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा बोला जाता था. बट मेरे फादर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, तो बहुत बार ऐसे होता था कि उनके जो बॉसेस है, उनके जो इंजीनियर्स है, उनके बॉसेस, तो हमें एक हायरार्की पता था कि यहाँ तक है. मतलब सब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वहाँ तक हायरार्की. और ऐसा हुआ कि एक बार कलेक्टर कोई काम इंस्पेक्शन के लिए आए थे, और ये सब लोग जा रहे थे. मतलब ये सब लोग, बहुत उनका भागा दौड़ चल रहा था. तो तब मुझे लगा कि मतलब
ये इतने बड़े लोग किस, ऐसा कौन आ रहा है कि इसके लिए ये कर रहे, तो दैट वाज माय फर्स्ट क्या बोल सकते उसे, इंटरेक्शन नहीं बोल सकते उसको, बट मेरा पहले बार मैंने जब सोचा कि ये क्या है और मैंने देखा, तो उसे ऑब्वियसली वो ग्लैमर को देख के लगा कि बनना है तो ऐसा कुछ बनना है, तो बट आफ्टर दैट फिर वो दिमाग में नहीं भी रहा कि मतलब ऐसे बनना है, फिर यूजुअल कोर्स ऑफ एजुकेशन में वो हो गया, उसके बाद ऑब्वियसली प्रिपरेशन चालू किया 12th के बाद। यू क्रैक्ड इन द फर्स्ट गो? नो, आई टुक माई टाइम, तीन चार अटेम्प्ट होने के बाद फाइनली आई क्रैक्ड, आई यूज टू क्रैक प्रीलिम्स वेरी इजीली, बट मेंस वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। एंड व्हाट यू स्टडीड सर? एक्चुअली टिल 12th आई स्टडीड इन फर्ग्यूसन कॉलेज इन साइंस स्ट्रीम, आफ्टर 12th एक्चुअली आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू परस्यू करियर इन सिविल सर्विसेज, तो मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, बीए किया, फिर फर्ग्यूसन कॉलेज से किया। यहाँ पे आने के लिए कोई पर्टिकुलर होमवर्क करना पड़ता है कि इट वाज इजी फ्रॉम महाराष्ट्र टू गेट सेटल इन ओडिशा? नहीं, आपको वैसे ऐसा भी लगता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ऐसा लगता है एक बार एग्जाम क्लियर हो गई उसके बाद तो कुछ नहीं, डायरेक्टली जाके कलेक्टर का जॉब करना है, तो दैट इज़ नॉट सो। इसमें आपका एक बार आपने क्रैक कर दिया उसके बाद आपको लबासना में भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं कि जो भी आपको पास होने हैं, उसके बाद आप जब काडर अलॉकट हो जाएगा तो इस काडर में आने के बाद भी काफ़ी एग्जाम्स है, उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स बोलते हैं, कि जहाँ पे आपको उस काडर के बेसिक लॉज, रेवेन्यू लॉज, CRPC, IPC ये सब क्रैक करने हैं, इंक्लूडिंग द 10th ग्रेड डिफिकल्टी लेवल का उड़िया एग्जाम भी। व्हेन वी आर इन प्रोबेशन, उसके इफ यू डोंट कम्प्लीट दैट योर प्रोबेशन विल नॉट बी कम्प्लीटेड, आपका जो सर्विस रेगुलराइज होता है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने UPSC क्रैक कर दिया उसके बाद इट्स ईजी, वो आपको लबासना में भी करना है और आपको जिस स्टेट में जाओगे उस स्टेट में भी करना है। सर आपने एक चीज़ बोला ना कि अभी मैं शायद ये सब चीज़ें नहीं पसंद करता हूँ, ये ग्लैमर एंड, बट इनिशियली एक ड्रीम था कलेक्टर बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। जब पहली बार आप आए एंड यू नो यू सॉ पीपल आर सल्यूटिंग, सारी चीज़ें सॉर्टेड हो रहा, कहीं ना कहीं तो मन बहकता है। नहीं, वो तो होता है ऑब्वियसली, ऐसा किसको नहीं लगता है कि ये चीज़ें, जो भी आप जिसको देख के आते हो वो एक बार सीधा आप देखते हो, और भी काफ़ी चीज़ें देखते हो जो आपको पता नहीं कि इंटरनली क्या है, बट वो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, डेफिनेटली आपको अच्छा, बहुत अच्छा फील होता है कि ये है वो है, बट उसके बाद जब आप स्पेशली प्रोबेशन टाइम में जब आते हो तो आपको उन चीज़ों का काफ़ी वो रहता है कि मतलब ये है, ये आ गया मेरे पास, गाड़ी आ गई मेरे पास, गाड़ी को बत्ती लगा, ये वो, ऑफिस मिल गया। जैसे आप चार्ज लेते हो, जैसे आप चार्ज लेते हो और आपको पता चलता है कि लोगों का आपको बिकॉज आपके आगे वो दो तीन शब्द लिखे हैं, लोगों का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना हाई एक्सपेक्टेशन है, तो ऑटोमेटिकली आपका इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान कम हो के आपका काम पे ध्यान लगना चालू हो जाता है आपको, बिकॉज ये बर्डन है इस सर्विस को दिया हुआ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस सर्विस को ये बर्डन दिया गया है कि आप अगर ये है तो लोगों का एक अलग एक्सपेक्टेशन है आपके आपके बारे में, और वो आप खरा नहीं उतरते तो लोग आपको बताएंगे भी कि आप मतलब आपसे एक एक्सपेक्टेशन था, आप IAS ऑफिसर है, आपसे एक एक्सपेक्टेशन था, ये नहीं हुआ इस चीज़ें, तो एक बर्डन आने के बाद ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो, आपका प्रायोरिटीज चेंज हो जाता है, आपको इन सब चीज़ों का इतना फिर ख्याल नहीं रहता। तो अभी क्या गोल है एग्जैक्टली? गोल सब टाइम पे, मतलब जब स्टार्ट किया था तभी वही गोल था फाइनली कि पब्लिक सर्विस, लोगों को अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आते हो घर पे तो एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आज कोई ना कोई मेरे वजह से खुश होकर घर पे गया है, किसी ना किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होके गया है, किसी ना किसी को मैं कुछ कर पाया हूँ आज उसी के लिए। लॉन्ग टर्म में तो हम बोल सकते हैं कि नहीं मैं एजुकेशन पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ या हेल्थ पे प्रायोरिटी दे रहा हूँ या सपोज बालेश्वर जैसे ज़िले में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है तो उसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, बट अगर आप अगर आज का मुझे पूछेंगे तो एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू से कि मैंने दिन में 5-6 लोगों 10 लोगों का कुछ तो अच्छा किया है, कि जो लोग एकदम डाउन ट्रोडन लोग हैं उनका जो अच्छा किया है, तो बेसिकली जो गांधी जी तलिस्मान जो है वो बेसिकली सारे, मैं भी मानता हूँ बहुत सारे ऑफिसर्स उसको बेस मानते हैं कि आप जो टाउन ट्रोडर है उसको अगर आप आज दिन भर आपने किसी को हेल्प किया है, आई थिंक वी हैव अर्नड आवर लिविंग। सर अभी एक चीज़ आपने बताया कि बीइंग अ कलेक्टर इट्स नॉट अ सिंगल डिपार्टमेंट यू टेक केयर, देयर इज यू नो हेल्थ, यू नो आर्किटेक्ट, देयर इज रोड्स डेवलपमेंट, व्हाटएवर इट इज, डिफरेंट पार्ट्स।
कभी ना कभी ऐसे ह्यूमन वी हैव अ नेचर ऑफ बायसनेस कि हमारे कोई पर्टिकुलर सेक्टर या जोन होता है जो हमें पसंद होता है, वो होता है वो एक जिग्सो पजल में घूमते हो आप लोग? हाँ वो होता है, जैसे अभी जैसे मेरा मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो मैं एजुकेशन पे बहुत फोकस रखता हूँ, एजुकेशन के लिए टाइम निकालता हूँ, मेरा वो भी है, स्कूल्स विजिट करता हूँ जब भी, इसमें हर सुबह फील्ड पे जाता हूँ तो फिर आई मेक इट अ पॉइंट कि कहीं पे विजिट करूँ स्कूल, बच्चों के साथ इंट्रैक्शन करूँ। बट ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली कि आपका एक प्रायोरिटी लेके चल रहे हो और बाकी आप छोड़ दे रहे हो या आप पूरा ही डेलीगेट कर रहे हो। तो अगर एग्रीकल्चर है इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट, तो आपको एक याद रहना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्रीकल्चर में एटलीस्ट मंथली वंस तो मैं उसको पक्का अच्छे से रिव्यू करूँ ताकि एक मुझे पता चले कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है और मुझे अभी क्या चेंज करना है। तो वो ओवरबर्डन तो हमेशा होना ही है, इसीलिए आपको इस चेयर पे बिठाया है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को स्टीयर कर सको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक किसी सेक्टर को पूरा मतलब पूरा टाइम दे रहे हो और बाकी सेक्टर्स को निग्लेक्ट कर रहे हो। तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा आपके डेली रूटीन में, आपके फोर्टनाइट प्लान में, आपके मंथली प्लान में, आपको वो मैनेज करना पड़ेगा और फिर वो सब मैनेज करके उसको एडिक्वेट अटेंशन दे के फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है जो भी आपका प्रायोरिटी एरियाज है, तो वो करना पड़ेगा आपको। दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर कि आपको वो मैनेज करना है। आई थिंक व्हाट हैव आई अंडरस्टूड लाइक फोटोग्राफी इज वन ऑफ योर पैशन, लाइक इज इट ऑल्सो एन एस्केप रूट दैट यू वॉन्ट टू रन अवे व्हेन सो मच ऑफ प्रेशर कम्स इन? बोल भी सकते हैं, मतलब वैसे फोटोग्राफी भी है और लिटरेचर का भी मुझे पहले से मतलब बचपन से बहुत अच्छा ये रह चुका है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो भी एक एस्केप रूट भी है। और हमेशा ना वो प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑफिसर्स मतलब हमें इतना काम है सबको ही, मतलब एवरीबडी कोई भी सर्विस हो, इन जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ वेरी वेरी बिजी बिकॉज लोगों का एक्सपेक्टेशन उतना बढ़ गया है अभी गवर्नमेंट की साइड से, तो पर्सनल लाइफ को भी है ये हो जाता है और आप एक आपका खुद का जो ये है उसको रख नहीं पाते हो। तो वो समहाउ वी हैव टू फाइंड आउट आवर सेल्फ ऑल्सो कि हमें भी कभी तो ओन टाइम चाहिए कि जिसमें हो, तो उसमें मैं फोटोग्राफी कर लेता हूँ बिकॉज फॉर्चुनेटली उड़ीसा इज़ सो ब्यूटीफुल, रूरल साइड इज़ सो ब्यूटीफुल कि आप कहीं पर भी जाओ तो आपको एक फ्रेम मिल ही जाता है, तो उसको बस कैप्चर कर लेते हैं। दैट इज द इजीएस्ट वे टू कीप माय हॉबी। यू सेड अबाउट पर्सनल टाइम, आई वांट टू गेट इनटू इट। मैंने पर्सनली देखा है लास्ट टू इयर्स मीटिंग सो मेनी ऑफिसर्स, जब ग्लैमर की हम लोग बातें कर रहे थे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर पर्सनल लाइफ बीइंग एन ऑफिसर। कभी कभार यू डोंट गिव टाइम टू योर फैमिली, योर सन, योर वाइफ, योर मदर, फादर, बट ये सब बातें कोई नहीं करते, बट हम सिर्फ और सिर्फ यू नो कलेक्टर साहब के बातें करते हैं कि वो तो एक फ़ोन में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या है वास्तव में ये भी हमें एक बड़ा पॉइंट है कि कैसे हम पर्सनल लाइफ इतना हेक्टिक शेड्यूल में कैसे हम पर्सनल लाइफ को भी टाइम निकाल पाएँ, तो वो किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है जितना देर आप हो। जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स बोलते हैं कि नहीं घर पर जाना है तो फिर जितना हम दोपहर को सपोज़ एक घंटा घर पे हो या शाम को हो तो फिर हम नहीं फ़ोन्स इमरजेंसी है तो उठाएंगे, नहीं तो हम जो काम नहीं अननेसेसरली घर पे डिस्कस नहीं करेंगे इस टाइप से, तो वो काफ़ी कर लेते हैं मैनेज। बट हाँ ऑब्वियसली आपको घर वालों का बहुत अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट चाहिए होगा जब तक आप एटलीस्ट कलेक्टर्स हो, बिकॉज़ ये ऐसा है कि यहाँ एक किसी का कॉल नहीं उठाओगे। जैसे सपोज़ बहानगा ट्रेजेडी का मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो एक कॉल अगर मैं नहीं उठाता तो पता नहीं मतलब आधा घंटा लेट हो जाता तो भी कितने लोगों का ही हो जाता। तो वो जो आपको कॉल उठाना है वो तो आपको फिर आप पर्सनल टाइम में हो या आप रात में हो दिन में हो पता नहीं कि कौन सा कॉल कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो अगर वो फैमिली को भी एक्चुअली उसका आदत पड़ जाता है, फैमिली भी वो एक अंडरस्टैंडिंग नेचर पर आ जाते हैं कि ठीक है इनका जॉब ही ऐसा है मतलब इनको, और फैमिली जितना इम्पोर्टेंट है उतना ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है जिले का वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग करके धीरे 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 वो भी यूज टू हो जाते हैं। बट हाँ डेफिनेटली इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, नो डाउट अबाउट इट। एक कलेक्टर होने के नाते ना आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है,
टू बी ऑनेस्ट यू टेक अ ग्रिप ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट. अब चाहे तो कुछ भी कर सकते, यू वांट टू यू नो मीट द richest person, businessman, any tycoons, you want to any restaurants. इतने सारे facilities के बीच में ऐसा लगता है कि अपने आप को control में रखना बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत ज़रूरी है. कभी कभी दो type से हो जाता है. कभी कभी हो जाता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा controlling हो जाते हो. जैसे कि suppose कोई चीज़ है, इसमें आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये मैंने ऐसा बोला है, this is my decision. तो विदाउट फीडबैक भी हम उसको, मतलब हम उसको पुश कर रहे हैं बस. ठीक है, तो वो भी एक साइड एक्सट्रीम है. दूसरा ये हो जाता है कि लोग जैसा बोल रहे हैं उस इसमें आप चले जाते हो, बिकॉज लोग आपको बोल रहे नहीं सर ये आपका बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत ये हो रहा है, लोग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं. तो आप इंडिपेंडेंटली आपका दिमाग लगा चलो ये अच्छा चल रहा है तो उसको मैं चला के जाऊँगा इस टाइप से. वो दोनों का भी ये ज़रूरी है कि यू शुड लिसन टू पीपल. आप सबको ये करो, बट आपका खुद का भी ये माइंड अप्लाई करके फिर वो डिसीजन लेके जाओ. तो वो दोनों एक्सट्रीम जाने का बहुत खतरा रहता है हमेशा, बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आ गया फॉर एग्जाम्पल, एंड ही इज टेलिंग यू कि नहीं मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, और आपको लगे कि हाँ ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में ऐसा है वैसा है, तो यू माइट गेट सुन. वो नहीं होना चाहिए, और वो काफ़ी चांसेस उसके रहते हैं कि बिकॉज डेली बेसिस पे आपको इतना ये रहता है वो रहता है, बट यू हैव टू बैलेंस, एवरीथिंग इज अबाउट दैट बैलेंसिंग. यू बेसिकली टेलिंग अबाउट द करेक्टिंग माइंड, यू नो कौन क्या कहना चाह रहा है वो समझने की आप बात कर रहे हो. उसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलूँगा सर, मैंने ज़्यादातर देखा आप लोगों के सर्विस में ना बहुत ज़्यादा यस मैन होता है, जितने भी आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं सब सर के नाम पे खुश होने के लिए दे वांट टू बी यस मैन. इट्स अ वेरी हार्ड क्रूएल फैक्ट आई हैव अंडरस्टूड इन ब्यूरोक्रेसी. बीइंग अ कलेक्टर आप कैसे ढूंढते हो कि यू नो हर यस मैन मेरे को फ़ायदा नहीं देंगे? सो बहुत सारे लोग, आपका एक्सपीरियंस जैसे 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 आगे जाता है आपको पता चल जाता है कौन बोलने के लिए बोल रहा है, कौन जेन्युइनली बोल रहा है. आपके पास एक होना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, आप वो आपका क्लर्क क्यों ना हो, आपका ड्राइवर क्यों ना हो, तो उसको डर नहीं लगना चाहिए आपसे बात करने के लिए. वो एक बहुत स्पेशली आपका पर्सनल स्टाफ जो होता है या ओल्ड लोग जो होते हैं सिविल सोसाइटी, वो कभी कभी बहुत हार्ड ट्रूथ आपको बोलते आके, और आपने अगर वो ईगो पे ले लिया तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं बोलेंगे. उनका ये है कि वो देखते हैं कि हाँ ये जो है ये ले रहे हैं उसको, पॉजिटिवली ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली ले रहे हैं कि हाँ ये आपसे गलत हो रहा है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा. तो इन दैट केस वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक देने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. स्पेशली मैं देखता हूँ कि पर्सनल स्टाफ आपको बहुत ऑनेस्ट फीडबैक दे सकता है अगर आपको सुनने की वो है तो, टॉलरेंस लेवल है तो उसमें आपको ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम पता चल जाता है कि कौन मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा है कौन नहीं दे रहा है. मैं ये कर लेता हूँ कि मुझ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम बेटर देन अदर ऑफिसर्स, कि मेरे पहले जो कलेक्टर्स आए थे उनसे मैं बेटर हूँ, मैं कुछ ज़िले को कोई अलग इसमें लेके जा रहा हूँ, या मेरे जो बैचमेट्स हैं इनसे मैं बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा हूँ. ये अगर आपके दिमाग में नहीं है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कोई आदमी आके अगर आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तारीफ़ कर रहा है तो वो इतना तो मैं नहीं हूँ, या हम वो हर चीज़ की कर रहा है. तो ये एक आपका डाउन टू अर्थ नेचर अगर रहेगा, आपको अगर पता है कि मुझे पता है कि सारे लगभग 90% ऑफ द IAS ऑफिसर्स हैव सेम टैलेंट सेम, ये वो उतना ही डिफ़िकल्ट ये करके आए, उनका एक्सपोजर भी लगभग सेम है, तो मैं बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा हूँ ऐसे अगर लोग बोल रहे तो दैट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट की ऐसा तो नहीं होगा चाहिए. बट बहुत ऑनेस्ट स्पेशली अगर आप पब्लिक में हो तो आपको पब्लिक से बहुत ऑनेस्ट फीडबैक आ जाता है, बिकॉज पब्लिक अभी ऐसा भी नहीं है कि हीरो वर्शिपिंग में लोग लगे हैं कलेक्ट IAS ऑफिसर्स के, अभी बहुत वो एक ह्यूमनाइज हो गया है सारा चीज़, तो लोगों को अभी फीडबैक देने में लोग इतना भी नहीं कतराते, लोग बता देते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, ये काम हमारा नहीं हुआ, ये आपने बोलने के बाद भी नहीं हुआ, ये ऑफिसर ऐसा करता है, इस पे आपका ज़्यादा ट्रस्ट है बट ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, ये बता देते हैं लोग अभी. तो वही है, आपको उसको पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए बस. और मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, लास्ट दो सवाल. जब से मैं बालस हो रहा है लाइक वी नो अबाउट द ट्रैजिक एक्सीडेंट हैपेंड, इफ़ यू कैन शेयर व्हाट हैपेंड दैट डे व्हेन यू गॉट द फर्स्ट कॉल
When I got the first call at around 6:55, okay. So that was from an activist actually. So he called, he said, sir, there is a bang on railway track. It seems to be a like a blast. So blast bola, isliye main bahut usko seriously liya. I called my chief secretary, sir. I said, sir, aisa kuch to aaya hai. Sir, I said, what do you need? अभी क्या चाहिए होगा तुम्हें? तो मैंने बोला, सर मैं निकल रहा हूँ अभी के अभी, बट मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ. तो मैंने तहसीलदार को बोला, तुम जाओ इमीडिएटली स्पॉट पर, बिकॉज वो बहाना का इज अ ब्लॉक, तो तहसील वहाँ पे ही है. मैंने मेरे इमरजेंसी ऑफिसर और एडीएम को बोला कि आप पहले कंट्रोल रूम एक्टिवेट कर लो. वो तो एक्टिवेट होता है उड़ीसा में, देर इज अ वेरी गुड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो वो तो 24/7 वैसे ही ऑपरेट रहता है, बट वहाँ एडीएम गए तो और थोड़ा सा उसको ये कर लिया. जब मैं ऑन द वे था तब तहसीलदार ने कॉल करके बोला कि सर यहाँ 3 ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है. तो सर का तब कॉल आ गया, चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला कि कितने एम्बुलेंसेज चाहिए. मैंने बोला 50 चाहिए होंगे, बट चीफ सेक्रेटरी सर बिकॉज ही हैज़ ह्यूज एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बोला कि 50 से होगा नहीं इतना. अगर 3 ट्रेन कोलाइड हो गए तो 50 से होगा नहीं, तो देन ही मोबिलाइज अराउंड 500. ओके, सो उसके बाद तो जैसे हम गए फील्ड पे, तो 2-3 थिंग्स ओनली वहाँ पे. तो अगर आप देखोगे कितना डिपार्टमेंट चाहिए, तो मतलब लगभग हर डिपार्टमेंट से हेल्प चाहिए होता है. तो उस टाइम पे भी आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलेंगे तो आएगा. जैसे आई नो माय आरटीओ इज़ कैपेबल, तो आरटीओ को बोला कि आपको इतना एम्बुलेंसेस इतना बसेस वगैरह अरेंज करना है, ही अरेंज्ड. देन सीडीएमओ को बोला आप खुद यहाँ पे आ जाओ ताकि रेफरल सिस्टम हो. हमने एक अच्छा, आपका डिजास्टर्स में क्विक डिसीजंस हेल्प अ लॉट. तो 2 डिसीजंस वहाँ पे बहुत अच्छे लिए गए वो हमारी टीम ने. वो फर्स्ट था कि हमने सीडीएमओ आने के बाद, डिस्ट्रिक्ट मैजर, इफ यू कैन डिस्क्राइब द डेजिग्नेशन सीडीएमओ, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, वो आने के बाद एंड ही केम विथ हिज वेरी कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट. वो आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को ब्लाइंडली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं भेजेंगे हॉस्पिटल में, हम उनको वहाँ पे ही चेक करेंगे. तो हमने हर एक को चेक किया, फिर उसके इंजरी के हिसाब से उसको सेग्रीगेट करके भेजा. तो इसके वजह से जिसको कम इंजरी है उसको वहीं पे ट्रीट करके भेजा, जिसको थोड़ी ज़्यादा उसको पब्लिक हेल्थ सेंटर भेजा, जिसको और ज़्यादा उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा, जिसको थोड़ा ऑपरेशन वगैरह करने की जरूरत उसको DHH भेजा, जो क्रिटिकल है उसको SCB मेडिकल कॉलेज कटक भेज दिया. तो इसके वजह से हर एक को ट्रीटमेंट मिला और विद इन टाइम मिला, और हमारी कोई भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी ओवरवेल्म नहीं हुई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके वजह से बहुत सारी जानें बची. सेकंड था कि पहले क्या हो रहा था, जो भी डेड बॉडी निकल रही थी लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भेज रहे थे. तो उससे क्या होता था, डेड बॉडी को तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट यहाँ पे जो सिस्टम था वो प्रेशराइज हुआ था बहुत. सो दूसरा डिसीजन हमने लिया कि वहाँ एक बहानगा हाईस्कूल है. okay. तो उस हाईस्कूल को हमने टेम्पररी मॉर्चुरी बना दिया, वहाँ पर सारी डेड बॉडीज रख के उनका पोस्टमार्टम मैंने ऑर्डर कर दिया कि वहीं पे नाइट ऑटोप्सी होगा, उनका ऑटोप्सी वहीं पे चालू कर दिया. तो डेड बॉडीज वहाँ साइड में ही रखने से आपका पूरा जो एम्बुलेंस सिस्टम है, आपका वॉलंटियर सिस्टम है, आपका मेडिकल सिस्टम है, वो सारा इंजर्ड को ये करने पे लग गया. शाम को फिर 12 बजे ऐसा हुआ रात को कि इंजर्ड तो लगभग निकल गए, मतलब 3-4 घंटे में सारे निकल गए, बट अभी जो डेड बॉडीज़ थी वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ये एक ह्यूमिड क्लाइमेट है. तो फिर हमने नोसी करके, यहाँ एक जगह है वहाँ पे हमने एक AC हॉल है, तो वो AC हॉल रिक्विजिशन किया. और बालासोर इज़ फेमस फॉर मरीन फिश प्रोसेसिंग, तो उनके पास सारा आइस बहुत रहता है, तो वहाँ से आइस इकट्ठा करके वहाँ पे रख दिया और वहाँ पे एक्चुअली टेम्पररी मॉर्चुरी बना दिया, आइस पे डेड बॉडीज रखी. तो नेक्स्ट डे फिर ये जो डेड बॉडीज थी उनका ऑटोप्सी हुआ, जो अननोन रहते उनको फिर से यहाँ से एम्स भुवनेश्वर पूरा नाइट भेजा गया. लगभग 56 आवर्स, दिस वॉज अ कंटिन्यूस ऑपरेशन फॉर 56 आवर्स. बहुत सारे लोग स्पेशली वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम किया. सो उसका एक फैक्ट मैं बस आपको बताता हूँ कि मतलब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, कि स्टेट कंट्रोल रूम में जो फैक्ट फील्ड पे तो सब देखते कि इन्होंने किया, इन्होंने किया, टीम ने काम किया, बच्चा किया, बट स्टेट कंट्रोल रूम में 24/7 सेक्रेटरीज बैठते थे. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ स्टेट कंट्रोल रूम में आके देखते थे. तो मतलब स्टेट का जो सपोर्ट होता है वो कोई देखता नहीं है, मतलब किसी को ये नहीं कि एक कलेक्टर वहाँ रह के क्या करेगा, बट 5 कलेक्टर्स को उन्होंने हाई अलर्ट पे रखा था.
अगर कलेक्टर भद्रक है साइड में, उन्होंने रातों रात 200 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार करके रखा जो अनफिनिश था, कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं करूँ। 5-5, 6-6 सेक्रेटरीज ओवरनाइट बैठते थे कि कोई भी अगर बालासोर से आ जाएगा तो इमिजिएटली बस देना है। तो ये एक इकोसिस्टम काम करता है, पूरा टीम काम करता है। इसकी वजह से कोई भी डिज़ास्टर हो उड़ीसा में, आप देखोगे जीरो कैजुअलिटी मॉडल होता है कि एक भी कुछ भी करना पड़े, एक भी आदमी या और मतलब एक भी पर्सन मरना नहीं चाहिए। तो ये पूरा टीम उड़ीसा का एफर्ट था कि 288 पीपल डाइड ऑन स्पॉट, अराउंड 380 क्रिटिकल सर्जरीज वेयर डन, 4000 लोग इंजर्ड हुए थे। बट आफ्टर दिस 288 हु डाइड ऑन स्पॉट, नंबर ऑफ डेथ्स इज ओनली 6। 4000 लोगों में से इतने बड़े एक्सीडेंट में जिसमें 380 क्रिटिकल सर्जरीज हुआ, उसमें बस 6 लोग आज तक आफ्टर गेटिंग इनटू हॉस्पिटल डेथ हुए हैं। सो ये पूरा टीम का बहुत बड़ा, टीम उड़ीसा का बहुत बड़ा सक्सेस है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। और कितने साल हो गया सर अभी इन द सर्विस? सर्विस में मुझे हो गया अभी मतलब चार्ज लेके, इंडिपेंडेंट चार्ज लेके 6 years 5 years और सर्विस में 7 years सिलेक्शन के बाद। कुछ लर्निंग है जो आप ये 7 साल में उड़ीसा से लेके जाना चाहते हो, यू नो उड़ीसा हैज गिवन यू एज अ लर्निंग? उड़ीसा ने एक एक चीज़ में जो देखता हूँ उड़ीसा के इकोसिस्टम में वगैरह, वो है कि यहाँ के पब्लिक भी एक टीम का पार्ट है। इतना कोऑपरेट कोऑपरेशन रहता है अगर एक अच्छी चीज़ आप करने को जा रहे हो और लोगों को समझा रहे हो तो। तो मैं देखता हूँ बाकी स्टेट्स में, मुझे मैंने सर्विस में काम नहीं किया तो मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर एक अच्छी चीज़ है जो लोगों के भले के लिए है और वो लोगों को आपने बताई है कि ये चीज़ है, ये मैं करना चाहता हूँ, इससे ये बेनिफिट होगा, तो पूरा इकोसिस्टम एज अ टीम लग जाता है। मतलब आपके सबऑर्डिनेट्स हो, आपके सुपीरियर्स हो, आपके कलीग्स हो, सिविल सोसाइटी, सारे लग जाते हैं कि हाँ ये काम करना है। और इसके लिए आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पे बहुत छोटे स्मॉल टाइम में निकल जाते हैं कि आप ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा चीज़ है ये कैसे करना है, ऐसा ओवरवेल्म नहीं होता आदमी कभी, इतना सपोर्ट आपको सारे जगह से मिल जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ का एक अलग डेवलपमेंटल स्टोरी है। One last question. This is mostly, you know, self-obsessed question. While studying about you, जब मैं आपके homework कर रहा था, and you also told me कि भी मैं किसी को interview नहीं देता, मैं आज तक कभी ये सब किया नहीं है. Then you said कि I think you are the only one whom I'm doing this. But कोई वजह है? Is there anything that? वजह है ये है कि मतलब जो भी हम करते हैं ना उसका ज़्यादा हम अगर मतलब हम बताते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है, एक्चुअली वो काम सारा टीम का होता है। मुझे नहीं लगता कि एक आदमी इस चेयर पे बैठ के बहुत बड़े बड़े जो भी काम होते हैं, जो भी काम हो, बड़े छोटे जो भी काम, वो कर सकता है। आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, अगर आपको आपके सुपीरियर्स बोल देंगे मत करो तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने आपको ये फ्रीडम दिया है कि हाँ आप एक डिसीजन इस चेयर पे बैठ के ले सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड दे विल सपोर्ट यू थ्रू आउट। आपके पास एक नीचे एक सपोर्ट सिस्टम है कि जो आपको 100% आप जो बोले वो करने के लिए वो रेडी होते, वो दे माइट गिव यू अ फीडबैक कि सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, बट अगर फिर भी आप उनको बोलते कि नहीं ये करना है तो वो बहुत कम टाइम में हो जाता है। और मैंने ये उड़ीसा में देखा है कि इस चेयर पे बैठ के आदमी का काम ये है कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स में वगैरह एक ट्रस्ट बिल्ड करो कि ये आदमी जेन्युइनली और लोगों के भले के लिए काम कर रहा है, तो वो पूरा लग जाता है आपका काम करने में। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो बोलने से मुझे नहीं लगता कि दैट इज़ द राइट वे। फिर आप उन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं अप्रिशिएट कर रहे हो जो एक्चुअली ये सब एक्चुअली कर रहे हैं ग्राउंड पे। कलेक्टर तो जाके ग्राउंड पे नरेगा का मस्टर रोल नहीं ले रहा है, वहाँ एक GRS ले रहा है, घर का काम PEO कर रहा है, JEE कर रहा है, आपके MI कर रहा है। सो उन लोगों का सारा कंट्रीब्यूशन है, तो वो मुझे लगता है कि एक फेस उस पर डालने से आप सिस्टम का कंट्रीब्यूशन पूरा भूल जाते हो। आप बोल रहे हो कि नहीं सिस्टम ख़राब है। मैंने एक देखा है कि अगर कोई काम अच्छा हुआ है ना तो इस आदमी की वजह से हुआ। लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार ये कलेक्टर था उसने ये काम किया, बट वही अगर कोई विजिलेंस में या एंटी करप्शन किसी को पकड़ता है तो बोलते हैं पूरा सिस्टम ही खराब है।
सो ये मेरा बेसिकली ये है कि मैं अभी आपको आपसे बात करने का मेरा मोटिव ये था कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम में एक आदमी को पकड़ लिया तो इसकी वजह से सारा सिस्टम खराब, बट ये हमारी आदत हो गई है कि हम एक केस आ जाता है एंटी करप्शन का तो लोग बोलते हैं कि यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं सिस्टम ही खराब है, सिस्टम ऐसा है, बट अगर कोई बहुत अच्छा काम होता है तो बोलेंगे कि जैसे बाहर का मैं हीरो वर्शिपिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गया, नहीं ये अच्छा काम हुआ इसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ कि मतलब किसी को ऐसा बहुत हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं ऐसा बताने के लिए, और लोगों को बस आपने जो बोला कि एक क्या एक्चुअली ये कैसे काम होता है, कितना मतलब क्या पॉजिटिव्स है क्या निगेटिव्स है वो लोगों तक आप पहुँचाना चाहते हैं, उसलिए मैंने बोला कि ठीक है फिर ये जाना चाहिए।